कनक, चार साल पहले मैंने यही जलसा किया और जब मैंने जलसा किया मैंने जब कनक के नौजवानों का जज्बा और जुनून देखा तो मुझे पूरा एतमाद था कि हमारा जो ये नौजवान शायद खटक के इलेक्शन जीत जाएगा। कनक, आज मैं आपके पास एक बड़ी वजह से आया हूं। ना करो ये, एक वजह से आया हूं कि हमारे मुल्क में एक बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। और कनक, आप वो इलाका है, आप वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझते हो कि ये दावा कि अल्लाह तेरे सवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, ये हमारा दावा है। तो जब ये चोरों को एक बैरूनी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया तो हम सबका फर्ज बन जाता है कि हम अपनी हकीकी आजादी की जहाद लड़े, क्योंकि गुलाम गुलाम की परवाज नहीं होती, सिर्फ आजाद इंसान ऊपर जाते हैं, आजाद मुल्क तरक्की करते हैं, गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं। तो जो ये साजिश थी कनक, इसका क्या मतलब था? इसका मकसद ये था कि इनको पुतलों के ऊपर बिठाया जाए जिनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है, जिनके बड़े बड़े महलात मुल्क से बाहर हैं, जिनके बैंक अकाउंट मुल्क से बाहर हैं, जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और महलात मुल्क से बाहर हैं। सारा मकसद यह है कि इस तरह के चोरों को कंट्रोल किया जाता है। जिन लोगों को ने बाहर से साजिश करके आपके ऊपर मुसल्लत किया उनको पता है कि ये उनके सारे हुक्म मानेंगे, वो एक बार से कंट्रोल होंगे। और कनक ये ना भूले कि यही जरदारी और नवाज शरीफ 10 साल जब ये पावर में थे 2008 से लेके 18 तक तो 400 ड्रोन अटैक हुए हमारे मुल्क पे, कबायली इलाके जो यहां से दूर नहीं है, 400 ड्रोन अटैक हुए इन दोनों के जब ये दोनों हुक्मरानी कर रहे थे। कोई दुनिया में मिसाल नहीं, कोई दुनिया में मिसाल नहीं कि एक मुल्क की आप जंग लड़ रहे हैं उनके लिए जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए उनकी जंग में हम शामिल हैं और वो ही हमारे मुल्क के ऊपर 400 ड्रोन अटैक करें और मुल्क के हुक्मरान चुप करके एक दफा मुजम्मत, एक दफा उनकी मुजम्मत ना करें, प्रोटेस्ट ना करें, एहतजाज ना करें, बल्कि उनके साथ मिलके इन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर 400 ड्रोन अटैक करवाए, क्योंकि उनके गुलाम है, पैसे बाहर पड़े हैं इनके और जिधर इनके पैसे पड़े हैं वो कंट्रोल करते हैं इनको।
इसलिए ये साजिश के तहत इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। और ये जो आए हैं इनका मकसद मुल्क की ना महंगाई कम करना था, ना मुल्क की तरक्की करवानी थी, इनका सिर्फ एक मकसद था। एक मकसद है, नौजवानों मुझे बताओ वो क्या है मकसद? क्या मकसद? एक मकसद है कि जो इन्होंने पिछले 10 साल मुल्क को लूटा, अब वो चोरी जो अरबों रुपए के केसेस थे, 1100 अरब रुपए के केसेस थे इनके ऊपर, 1100 अरब रुपया उसको माफ करवाना था, एनआरओ लेना था, इन्होंने एनआरओ लेना था, और जिन्होंने बरूनी साजिश की वो इनको पुतला बना के कंट्रोल करना चाहते थे ताकि पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए। इसलिए करक नौजवानों, आपने मेरा साथ देना है और मैंने इनका मुकाबला करना है। मेरी नजर में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में चला जाता है, आप कभी भी किसी की गुलामी नहीं करते। इन चोरों की गुलामी सिर्फ करने से बेहतर मर जाना है। अमरीकनों के गुलामों की गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान जिंदा ही ना रहे। इसलिए मैं इनका मुकाबला करूंगा। और नौजवानों, आपने मेरे साथ चलना है, हाथ उठा के बताएं मुझे नौजवानों। अच्छा, साउंड सिस्टम, हेलो, जी बड़े मौके पर साउंड गया, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे। अच्छा सुनो, करक, अच्छा किसी ने अपने मोबाइल फोन के ऊपर वो जो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टेप सुनी है? अब ये जरा मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मेरा मौला अल्लाह सच का खुदा है, अलहक है, उसका वादा है कि थोड़ी देर के बाद थोड़ा सब्र करना पड़ता है लेकिन सच हमेशा सामने आता है। अब वो क्या चीज उसमें टेप में आई, इसमें तीन चीजें खास तौर पे सामने आई। पहली चीज के मरियम का दामाद, आपको मरियम का पता है ना, उसकी जो खास क्वालिटी है, उसकी एक क्वालिटी क्या है सबसे ज्यादा? सच नहीं बोला जाता उससे। लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी बेचारे की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो अपने दामाद के लिए, ये जरा गौर से सुने करक, अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी
पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी। आधी आ गई है और आधी सिफारिश कर रही है कि वो आधी मशीन भी मेरे दामाद के पास ले आओ, क्योंकि उसके पास भी लंदन तो छोड़ो पाकिस्तान में भी बेचारे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इससे दो चीजें सामने आती हैं, एक नाजायज काम कर रही है, आते साथ ही इक्तदार के जरिए जात को फायदा करवाना, इसको करप्शन कहते हैं। करक नौजवानों, जब भी कोई भी इक्तदार में बैठ के अपने आप जात को फायदा करवाता है इसको करप्शन कहते हैं। आप इक्तदार में आके अपनी जात को फायदा नहीं करवा सकते, आप अवाम का फायदा करवाते हैं, अपना नहीं करवाते। तो सबसे पहले तो अपने दामाद का फायदा करवाने के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। इससे ज्यादा बड़ी चीज कि हमने हिंदुस्तान से तजारत बंद क्यों की थी, मेरी हुकूमत ने की थी, क्यों की थी? क्योंकि हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के खिलाफ जाते हुए कश्मीरियों का जो स्पेशल स्टेटस था, स्टेटहुड, 5 अगस्त 2019 को उन्होंने वो खत्म कर दिया। उन्होंने कश्मीरियों का जो हक था कि वो अपनी जिंदगी का फैसला करें रेफरेंडम या प्लेबिसाइट के जरिए, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर के लोगों को हक दिया था, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीर के लोगों को हक दिया था कि वो फैसला करें कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। तो 2019 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के खिलाफ वर्जी की और उनका स्टेटहुड ले लिया, तब हमने तजारत बंद की, इसलिए हमने बंद की। अब ये हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, अब ये आके कोशिश कर रही है वो तजारत खोलने की, और अभी खुली नहीं है। लेकिन मरियम का दामाद गैर कानूनी तौर पे मशीन हिंदुस्तान से ले रहा, तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ मेरे पाकिस्तानी हो, समझ जाओ कि इनके लिए इनका खुदा सिर्फ पैसा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। इनके लिए पैसा खुदा है। पैसे के लिए कश्मीरियों का भी उनकी कुर्बानियों को ये नजरअंदाज कर सकते हैं। उनकी लाख कश्मीरी शहीद हो चुके पिछले 30 साल में, लेकिन इनको नहीं परवाह क्योंकि इनको सिर्फ पैसा नजर आता है। दूसरी चीज वाजे हो जाए कि इक्तदार में सिर्फ पैसा बनाने आते हैं। जब भी ये इक्तदार में आए मुल्क के कर्जे बढ़ गए और इनकी दौलत बढ़ गई, मुल्क मकरूज हो गया, ये और इनका सारा खानदान अरबपति बन गया। और तीसरी चीज से ये भी पता चलती कि यहां चले एक आदमी करप्शन कर, नवाज शरीफ ने बड़ा पैसा बनाया, लेकिन मुसीबत यह है कि इनका इतना बड़ा टब्बर है वो सारे पैसे बनाने पे लगे हुए हैं। बेटे पैसे बनाने के लिए, दोनों बेटे नवाज शरीफ के आज लंदन में बैठे हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। तो करे के क्यों कहते हैं, बताइए क्यों कहते हैं, बाशऊर करे के लोगों बताओ ये क्यों कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं?
ये इसलिए कहते हैं, करा के इसलिए कहते हैं कि अगर ये कैंप पाकिस्तान के शहरी हैं तो इनको बताना पड़ेगा कि अरबों रुपए के घरों में रहते हैं ये। मैं लंदन सबसे बेहतर जानता हूं, जिस इलाके में इनके घर हैं वो सारे लंदन का सबसे महंगा इलाका है, और लंदन यूरोप का सबसे महंगा शहर है। ये उस इलाके में रहते हैं जिधर बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकता। ये चोरी का आपका पैसा, इस मुल्क से पैसा चोरी करके वहां रह रहे हैं, और जब इनसे पूछोगे जी ये हसन शरीफ, ये जो हसन शरीफ है ये आता हूं अभी मैं डीजल के ऊपर भी, पहले इसकी बात कर लूं। हसन शरीफ लंदन के जिस घर में रहता है उसकी कीमत 10 अरब रुपया है, 10 अरब रुपया। जब इससे पूछो कि जी ये किधर से आपके पास पैसा आया तो कहता मैं तो जवाब दे नहीं हूं क्योंकि मैं तो पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं। तो इसहाक डार ने भी बच्चे बाहर भेजे हुए हैं, शहबाज शरीफ के भी दोनों बेटे बाहर भाग गए, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। तो समझ जाएं कि ये जो सारा सारे मिलके ये जो सारा टब्बर है सारे पैसे बना रहे हैं, और जब ये इख्तदार में आते हैं इनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है। जो के ये जो टेप लीक हुई है इससे वाज़े हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम को बहुत तकलीफ है कि मेरे दामाद को पैसे बनाने दो, उसको मुश्किलों में ना डालो, क्योंकि मरियम के पास तो बेचारी लंदन तो छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो कड़क सुनो जरा, मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं, सारी दुनिया में मैं फिर रहा हूं, अमीर और गरीब मुल्कों में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि जो मुल्क अमीर होता है वह कानून की हुक्मरानी होती है, मतलब ये कि ताकतवर और कमजोर के लिए कानून होता है, और जो गरीब मुल्क है जिधर गुर्बत है उधर ताकतवर जब डाका मारे तो उसको एनआरओ मिल जाता है, और जो बेचारा सिर्फ कमजोर चोर जेलों में डालता है। मैंने जब जनरल मुशर्रफ के दौर में जेल में टाइम गुजारा आजाद अदलिया के लिए, तो पाकिस्तानियों ये याद रखो वहां कोई अमीर डाकू नहीं मुझे नजर आया, सिर्फ गरीब लोग नजर आए। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गया बड़े बड़े डाकू नजर आए वहां। हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकते। और कड़क, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कड़क गौर से सुनो, दुनिया का सबसे अजीम इंसान लीडर, अल्लाह का आखिरी पैगंबर, उसने तब 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर कमजोर के लिए, वो अगर कमजोर चोरी करे तो जेल में, लेकिन अगर बड़ा ताकतवर आदमी डाका मारे तो वो माशा उसको पकड़ता नहीं था। यही हो रहा है हमारे साथ, ये सारे जो चोर बैरूनी साजिश के तहत ऊपर बैठ गए, ये आपके सामने सबके सामने चैलेंज आ गया। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े हो, अल्लाह का हुक्म है। बस 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 ओ बस ठीक ठीक है बस बस।
शुक्र अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को चैलेंज फेंका, हमें चैलेंज फेंका उसने कि ये जो साजिश के तहत इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को, जिसमें से 60% कैबिनेट के अंदर जो लोग हैं वो जमानत पे हैं, करप्शन की जमानत पे हैं, जो टोटल केसेस ये माफ करवा रहे हैं। आए, आए। बस 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 सुने 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 करक छोड़ दें आप इसको, बड़ी पता नहीं फिर कब मेरी मुलाकात होती है आपसे, तो सुने जरा, 4 साल के बाद आया हूं आपके पास। करक ये जो मैं हकीकी आजादी की तहरीक चला रहा हूं, मैं सारे पाकिस्तान जा रहा हूं और मेरी कोशिश है कि मेरी कौम इस फैसला कुन वक्त पे खड़ी हो। ये जो भी समझता है कि ये चोरों की हम गुलामी कबूल कर लेंगे, जो मर्जी बैरूनी ताकत या अंदरूनी जो भी लोग समझते हैं, किसी गलत फहमी में ना रहो, ये कौम फैसला कर बैठी है। मैं जिधर जिधर गया हूं मेरी कौम आज तैयार है, मेरी कौम तैयार है निकलने के लिए, और मैंने अपनी कौम को, सारी कौम को बताया कि मेरी कॉल की इंतजार करो। कप्तान अब एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है, 25 मई को हमने जब 25 मई को एक पूरा मैन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद निकले, तो इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया और तशद्दुद किया, हमारे इन्होंने लोगों को जेलों में डाला, औरतें बच्चे फैमिलीज के ऊपर शेलिंग की, इन्होंने रात के 2-2 बजे तक रात के अंधेरे में घरों के अंदर घुस गए पंजाब में, हमारे वर्कर्स को पकड़ के ले गए, ख्वातीन को बच्चों को डराया, और जिस तरह की शेलिंग की इस्लामाबाद में और लिबर्टी चौक में लाहौर में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि फैमिलीज के ऊपर उन्होंने शेलिंग की। तो अब मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा प्लान है वो जो मुजरिम कातिल राणा सनाउल्लाह उसका भी प्लान है, और शबाज शरीफ का भी, और मेरा भी प्लान है, और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कौन होगी। लेकिन मैं करक मेरे नौजवानों जरा सुने, क्योंकि मेरी कौम गैरतमंद है, मेरे लोग तकड़े हैं, हमारी कौम ताकतवर है, हमारे लोग अल्लाह में मानने वाले हैं, हमारे वो लोग हैं हर मुश्किल वक्त पे कौम खड़ी हो जाती है। लेकिन ऊपर हमारे बैठे हैं वो लोग, आपने पता नहीं, खैर आपने तो नहीं देखा होगा, अभी शबाज शरीफ न्यूयॉर्क गया हुआ है, उधर इसने एक इंटरव्यू दिया, एक औरत के सामने इंटरव्यू दिया, और इतनी मुझे शर्म आई कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर औरत के सामने कह रहा है कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा अगर पैसे ना दिए, हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकेंगे, उसको कह रहा है औरत को। मैं देख रहा हूं वो भी घबराई हुई है कि ये क्या कह रहा है, उनका प्राइम मिनिस्टर, वो तो एक टीवी एंकर थी, उसे कहता है कि आप दुनिया को पैगाम दे कि हमारा मुल्क तबाह हो गया और हम कर्जे नहीं वापस कर सकते। मैं इसलिए अपनी कौम के सामने आज
ये भी कहना चाहता हूं कि देखें, करें कि सुने मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी भी कौम भीख मांग के, कभी भी कौम भीख मांग के ऊपर नहीं आई, कभी भी कौम अपनी गैरत मिट्टी में मला के ऊपर नहीं आई, कभी भी कोई कौम जिसके अंदर कौमी गैरत नहीं होती, कभी वो ऊपर नहीं आती। आज तक अगर हम कर्जे लेके और दुनिया के सामने भीख मांग के एड लेके अगर हमें तरक्की करनी होती तो अब तक कर चुके होते। 40 साल से हम एड मांग के गुजारा कर रहे हैं। जब अफगान जहाद हुई तो जब पाकिस्तान ने उनकी मदद की या पाकिस्तान ने कहा कि हम जहाद में शिरकत करते हैं, तो ये याद रखें कि हमारे तब सरबरा ने पैसे मांगे कि हमें पैसे कितना में दोगे। जब 9/11 के बाद हम अमेरिका की जंग में शामिल हुए, फिर हमें सबसे ज्यादा यह था कि हमें कितनी इमदाद मिलेगी। डॉलरों के पीछे हमने सिर्फ इसलिए कि हमने अपने मुल्क को ठीक नहीं किया और पैर पर नहीं खड़ा किया, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने बजाय लोगों की बेहतरी के लिए हम दूसरों के लिए बनाते थे ताकि डॉलर मिल जाए, इमदाद मिल जाए। और अगर इसी पॉलिसी के तहत अगर मुल्क में खड़ा होना था तो अब तक खड़ा हो जाता, लेकिन बदकिस्मती कि आज पाकिस्तान का वजीर आजम अमरीका में जाके हर जगह पैसे मांग रहा है कि जी खुदा के वास्ते पैसा दे दो। वो है वो वाला कि मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके आया, अभी मैं तुर्की होके आया। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझे, आप समझने की शायद मांगने की, शायद मांगने आया मैं नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और आप जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हताहत करने का मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पाँव पे खड़े। कहता 75 साल से आप हमारी मदद कर रहे हैं, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। आप इधर से निकल जाए, कोई भी आपको मांगने वाला मिलेगा वो सारे कहेंगे कि जी मैं बड़ी मजबूरी है घर में, इसलिए मैं मांगने आया हूं। तो मैं घर के नौजवानों, मैं सिर्फ आपके लिए, नौजवानों के लिए खास तौर पे, ये देखिए कौम कैसे खड़ी होती है, खुददारी से कौम फैसला करती है कि हमने अपने जोर पे हम अपनी दौलत में इजाफा करेंगे और मुश्किल वक्त में खर्चे कम करेंगे। जिस तरह एक घर होता है, एक घर में मुश्किल वक्त आ जाता है, घर पे कर्जे चढ़ जाते हैं, तो वो घर क्या करता है, सारे घर के अफराद मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब पैसा इकट्ठा करते हैं, खर्चे कम करते हैं और फिर अपनी आमदनी बढ़ा के अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर एक घर के लोग बार बार जाके लोगों के सामने भीख मांगते रहे और अपने पैर पे ना खड़े हो, वो अपनी इज्जत भी गवा देते हैं, अपनी आजादी भी गवा देते हैं।
और अपनी गलत भी गवा देते हैं। इसलिए जो पाकिस्तान हम चाहते हैं, यहां से तो कोई लौटा नहीं हुआ, हुआ। अच्छा, कौन लौटा हुआ था पख्तूनख्वा से? अच्छा, करा कब सुने मेरी बात। मैं अपनी तकरीर के आखिर में आ रहा हूं। मैंने जो आपसे आज बात करनी थी वो ये कि देखें, हमने अपने मुल्क को ठीक कैसे करना है, हमने अपने पैर पे खड़ा होना। इस मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हमने अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करना है। जो हमने हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस जो हमने लेके आए थे कि अपने लोगों की हमने सेहत का ध्यान रखना, हर खानदान के पास 10 लाख का हेल्थ कार्ड, उसके बाद सस्ते कर्जे दें ताकि लोग अपनी बिजनेस कर सकें और अच्छी पढ़ाई पे पैसा खर्च करें। अब महमूद खान एक एजुकेशन कार्ड लेके आ रहा है, उसके ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे तालिब इल्मों को हम एजुकेशन कार्ड दें, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं जाके। कौमें आगे बढ़ती है अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करके, और सबसे बड़ी बात कि वो दुनिया को पैसा एक्सपोर्ट करती है। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट से आमदनी बढ़ती है। हिंदुस्तान आज अपने पैर पे खड़ा है, आजाद फॉरेन पॉलिसी है। आज वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, अमेरिका जो भी कहे वो कहे, उसको परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपने पैर पे खड़ा है, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, रिजर्व्स हैं उनके। आज चाइना कैसे ऊपर गया? चाइना ने एक्सपोर्ट्स की, 30 साल में देखते देखते चाइना किधर चला गया। 90 की दिहाई में इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ईस्ट एशियन टाइगर कैसे बने? एक्सपोर्ट करके। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि ये दो खानदान 30 साल से मुल्क पे मुसल्लत है, 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, दो करप्ट खानदान। इनके दौर में हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश भी आगे निकल गया हमारे से। वो बांग्लादेश जो एक वक्त पे हम अपने ऊपर बोझ समझते थे जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो भी आगे निकल गया, क्योंकि हमने कभी आगे का सोचा नहीं, कभी हमने आमदनी बढ़ाने का नहीं सोचा। अच्छा करक, आप एक मुझे बताओ, आप काम पे टांगने वाले बिलावल को जानते हो? अभी अमेरिका में वो इंटरव्यू दे रहा था, तो उनको कहता कि जो इमरान खान है वो तो अपना आर्मी चीफ भी बनाना चाहता है, अपना आईएसआई चीफ भी बनाना चाहता है। बिलावल, तुमने अगर जिंदगी में एक घंटा भी काम किया होता तो इससे ज्यादा अकल की बातें करते। 14 साल हो गए, उर्दू नहीं सीखी सही तरह। बिलावल, इमरान खान को ना अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना आईएसआई चीफ चाहिए, ना अपना चीफ जस्टिस चाहिए, ना नैब का हेड चाहिए, ना अपना आईजी चाहिए। इमरान खान को मेरिट पे ये लोग चाहिए, मेरिट चाहिए। लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम क्या बिलावल? जो तुम्हारा बाप जरदारी, उसको मेरिट के मतलब ही नहीं पता। अगर उसको मेरिट का मतलब पता होता तो आज तुम्हारी जगह एतजाज आसन को लगाया होता, जो एक मजा हुआ सियासतदान है, पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन, उसका तुम्हारा क्या मुकाबला था? और अगर मेरिट होता तो तुम्हारा सारा टब्बर आज इकतदार में ना होता।
और अगर मेरिट होता तो ये शरीफ खानदान का इतना बड़ा टबर सारे इकतदार में, सारे अच्छा रिश्तेदार भी, वो भी इकतदार में इसहाकदार, वो भी रिश्तेदार बन गया। अब ये भी रिश्तेदार है मरियम का दामाद, जिसके लिए ये हिंदुस्तान से मशीनरी बुलाई जा रही है गैर कानूनी तौर पे। और दूसरी चीज और मरियम क्या कहती कि ग्रिड स्टेशन बता दो मेरे वो दामाद की हाउसिंग सोसाइटी में। ग्रिड स्टेशन करक, ग्रिड स्टेशन का मतलब हर हाउसिंग सोसाइटी को अपना ग्रिड स्टेशन बनाना पड़ता है। ये कह रही है कि सरकारी तौर पे बना दो। सरकारी तौर का मतलब कि आपके टैक्स के पैसे से बना दो। और एक ग्रिड स्टेशन मैं तो नहीं जानता, कम से कम 70-80 करोड़ का तो आता होगा। 70-80 करोड़ का फायदा करवा दो मेरे दामाद को आपके पैसे से। तो इन दो खानदानों को तो मेरिट का मतलब ही नहीं पता। मेरिट आज तक 10 साल पाकिस्तान का कप्तान रहा हूं, किसी टीम से पूछो कि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन इमरान खान करता था या नहीं। शौकत खाना में पूछो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अस्पताल है, क्या मेरे कोई रिश्तेदार है वहां। नमन यूनिवर्सिटी देखो, मेरिट पे चलती है। आज तक कोई इदारा दुनिया में मेरिट के अलावा नहीं कामयाब होता। और ये दो खानदान, इनको मेरिट का मतलब नहीं पता। और इंशाल्लाह हम सारे मिलकर इस मुल्क पे इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और इन इलेक्शन के बाद हमेशा के लिए ये जो दो माफिया, जरदारी माफिया और शरीफ माफिया, इंशाल्लाह हमेशा के लिए इनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इलेक्शन के बाद शिकस्त देंगे, इलेक्शन से शिकस्त देंगे। अच्छा अब मेरे नौजवानों, अच्छा मैं, मेरा प्लान क्या है इलेक्शन में, मुझे तीन विक्टर नजर आ रही हैं, तीन। एक है बड़ी मुल्क की बीमारी जरदारी, एक है चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ। क्योंकि शहबाज शरीफ की खासियत पता क्या है, वो जब बूट देखता है वो पॉलिश करने शुरू कर देता है, और जितना बड़ा बूट उतनी अच्छी पॉलिश करता है वो। और तीसरी विकेट, बड़ी देर से मैं देख रहा हूं इस तीसरी विकेट की तरफ भी, और ये बीच वाली विकेट है। और इंशाल्लाह इसके लिए वो जो मैंने इन स्विंगिंग यॉर्कर तैयार किया हुआ है, देर करके स्विंग करेगा लेकिन बीच वाली विकेट इंशाल्लाह लेके जाएगा। अब फजल रहमान ने किया क्या, आते साथ ही अपने बेटे को उस मिनिस्ट्री पे बिठाया है एनएचए पे जिधर सबसे ज्यादा पैसा बनता है। मैंने कहा फजल रहमान कम अज कम चलो कोई दीनी काम ही करके चले जाओ, कोई जो हमने इतनी मेहनत से रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी, हमने बड़े बड़े दानिश्वर और स्कॉलर्स को बिठा के एक रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी, वो क्यों,
क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी कौम को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पता हो, स्कूलों में बच्चे पढ़े ताकि उनके कैरेक्टर उठे, ताकि वो मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखे, उनकी सीरत से। इसलिए हमने अथॉरिटी बनाई थी कि लोगों का कैरेक्टर हो। मुसलमान तो तब है जब वो नबी के रास्ते पे चलता है, और नबी का रास्ता वो है जो इंसान की अजमत का रास्ता है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक चीज अल्लाह से मांगते हैं, करेंगे एक चीज मांगते हो अल्लाह से कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं। तो सबसे ज्यादा नेमतें अल्लाह ने किसको बख्शी हैं, किसको बख्शी हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम उनका रास्ता मांगते हैं, और इसलिए हमने ये अथॉरिटी बनाई थी ताकि मेरे बच्चों को, मेरे नौजवानों को पता चले कि दुनिया की तारीख का कितना बड़ा इंकलाब आया था मदीना में। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इंकलाब आया था जिधर वो इंसान जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने उनको दुनिया के लीडर्स बना दिया, दुनिया की इमामत की उन्होंने। दो सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। ये तारीख का हिस्सा है, और इसलिए अल्लाह हमें कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। और इसलिए मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई ताकि स्कॉलर्स हमारे बच्चों का निसाब उसमें सीरत नबी सिखाए, ताकि हमारे नौजवानों को पता हो कि वो इंकलाब क्या था, कैसे उन्होंने जेन बदल दिए। फिक्री इंकलाब था कि इंसान बदल गए। जो मौलाना रूमी कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए, क्यों जमीन पर रींग रहे हो, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को पर दे दिए, सब अजीम लोग बन गए, जो उनके इर्द गिर्द थे लीडर्स बन गए। और ये हुकूमत यहां के वो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बंद कर दी। इनको शर्म आनी चाहिए कि हम अपने लोगों की तरबियत करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके कैरेक्टर बड़े हों, अच्छे बुरे की तमीज समझे, अमर बिल मरूफ पे चले। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई का साथ हो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। और इसलिए इंशाल्लाह जब वापस आएंगे हम ये रहमतुल आलमीन अथॉरिटी को फिर से खड़ा करेंगे और अपने नौजवानों की तरबियत करेंगे ताकि मेरी कौम दुनिया की इमामत करे, दुनिया के लीडर्स बने। मैं आपके जज्बा और जुनून को आज सलाम करता हूं। माशाल्लाह, इस दोपहर की गर्मी में जिस तरह आपने, जिस शऊर से आपने मेरी बात सुनी, मैं अभी भी याद कर रहा हूं कि 4 साल पहले भी मैं आया था, तब भी मुझे एक बाशऊर करक के नौजवान नजर आए थे, और आज भी मुझे नजर आया है। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं, आपको सलाम करता हूं। अल्लाह 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 अल्लाह।